बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे गोपालगंज के बाद छपरा में पहुंचे। छपरा में पहुंचने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार में 12 करोड़ की आबादी है और उसकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। डीजीपी ने कहा कि हमारे जो भी सुरक्षा कर्मी हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। ऐसे में जो भी जरूरियात चीजें हैं उसको जरूर खरीदना है और उसे बिहार की पुलिस फंड देगी। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पुलिस के जो जवान हैं जो अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोरोना जब खत्म होगा तो उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। कोरोना योद्धा तो बहुत है, मतलब हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, मेडिकल के ऑफिसर भी हैं और प्रशासन के लोग भी हैं, लेकिन पुलिस को तो हर जगह फ्रंट पर रह करके खेलना पड़ता है। अपनी जान हथेली पर लेकर के हमारे सिपाही से लेकर हवलदार से लेकर थानेदार से लेकर एसपी तक सब आगे भिड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में संक्रमण होने की संभावना तो रहती है। हम लोगों ने एहतियात की एहतियाती कार्रवाई की है, सारे लोगों को ब्रीफिंग किया गया है, सरकार ने पूरी खुली छूट दे रखी है कि आप अपने अधिकारियों के लिए, जवानों के लिए, बचाव के लिए जो भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे ग्लोव हो, चाहे सैनिटाइजर हो या जो भी हो। पुलिस जितने एस्टैब्लिशमेंट हैं सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन हम चाह करके कि घर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम अगर घर में बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। तो पुलिस को तो रोड पर रहना ही, तो अपना बचाव करते हुए, संक्रमण से बचते हुए 12 करोड़ की आबादी बिहार की जो है उसको बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन पर है, पुलिस पर है। और हमारे अधिकारी जितने भी हैं सब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम रोज किसी न किसी थानेदार से, किसी न किसी सिपाही से हर जिले में बात करते हैं, खुद निकल करके जाते हैं। बिहार के एक एक रोड रेड जोन में मैं खुद जाता हूँ, क्वारंटाइन सेंटर्स और जो जहाँ पर संक्रमित क्षेत्र है सब जगह जा करके मैं खुद ही दौरा करता हूँ। तो हमने ये तय किया है कि जो हमारे अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, जैसे कोरोना का संकट टलेगा तो कोरोना वीर सम्मान से उनको हम सम्मानित करेंगे पटना मुख्यालय में।